किसी भी घटनाक्रम को दो नजरिए से देखा जा सकता है, किसी के लिए वो आपदा बन जाती है तो दूसरे के लिए अवसर। विदेश मामलों के कई जानकार मानते हैं कि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में जो जगह बनी है चीन उसे भरने की कोशिश करेगा। एक तरफ तो चीन की चिंता है कि वीगर मुसलमान और चीन विरोधी आतंकवादी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के सदस्य अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ चीन की नजर अफगानिस्तान की जमीन में दबे खनिज संसाधनों पर है। वो ये भी चाहता है कि अफगानिस्तान भी उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का हिस्सा बन जाए ताकि यूरोप एशिया में उसका दबदबा रहे। लेकिन चीन की चिंता और निवेश के बीच की राह इतनी भी आसान नहीं जितनी प्रतीत होती है। यही वजह भी है कि चीन ने ये जरूर कहा है कि सभी पक्षों का तालिबान से संपर्क करना और उसे सक्रिय रूप से राह दिखाना चाहिए, लेकिन अंतरिम सरकार को मान्यता देने के सवाल पर अभी भी चीन ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पहले ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर अपना सिक्का जमाने की कोशिश की, फिर रूस ने उसे अपना साम्राज्य बनाना चाहा, और हाल में अमेरिका ने भी एक कोशिश की। दुनिया की तीन बड़ी शक्तिशाली ताकतों के इतिहास को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि अफगानिस्तान पर शासन करना बहुत आसान काम नहीं है। इन दिनों देशों से सबक लेते हुए चीन अफगानिस्तान के मामले में किस हद तक दखल देगा ये वक्त बताएगा। लेकिन चीन की विदेश नीति को करीब से परखने वाले जानकार मानते हैं कि चीन केवल अपने हितों के बारे में सोचता है। चीन के शिनजियांग की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है और यहाँ करीब 10 लाख वीगर मुसलमान हैं। चीन को डर है कि तालिबान के आने के बाद वीगर मुसलमान और चीन विरोधी आतंकी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहां एक बार फिर सक्रिय हो जाएंगे, जैसे 1996 से 2001 के दौरान थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कहते हैं, चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है और मौका भी है कि वो तालिबान को राजी कर लें कि अपनी जमीन का इस्तेमाल चीन विरोधी आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। तालिबान ने चीन, रूस, भारत सबसे इस बारे में वादा तो किया है, लेकिन अपने वादे पर तालिबान कितना कायम रहता है यही देखना होगा। तालिबान ने समावेशी सरकार, महिलाओं को काम करने की इजाजत और सरकार में महिलाओं की भागीदारी जैसे कई दूसरे वादे भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने किए थे, लेकिन अंतरिम सरकार में किसी का पालन नहीं हुआ ये दुनिया ने देखा। दुनिया में और खासतौर पर यूरोप एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक। सीपेक एक व्यापारिक नेटवर्क है। BRI परियोजना के तहत चीन सड़क, रेल और जल मार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ना चाहता है। हाल के वर्षों में ईरान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे देशों ने सीपेक के साथ जुड़ने के लिए रुझान दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुश्किल ये थी कि अमेरिका के दबाव में अफगानिस्तान सरकार ने इसके लिए हरी झंडी नहीं दी थी। अब तालिबान ने इसके साथ जुड़ने की बात कही है, चीन इससे उत्साहित भी है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कहते हैं, इसमें एक चुनौती जो चीन को पेश आएगी वो है जमीन पर जब परियोजना लॉन्च होगी। तालिबान के शीर्ष नेतृत्व की बात उसके नीचे के कितने लोग मानेंगे ये देखना होगा। तालिबान के अंदर कई अलग अलग गुट हैं, जिसकी वजह से अंतरिम सरकार की स्थिरता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। इस परियोजना को पूरी तरह से अफगानिस्तान में अमल में जल्द से जल्द लाया जाए ताकि यूरोप और एशिया के कई दूसरे देश इससे जुड़ सकें, ये चीन की दूसरी बड़ी चुनौती होगी। स्वर्ण सिंह आगे कहते हैं, तालिबान जब सत्ता में आता है तो दूसरे मेहमान भी एक्टिव हो जाते हैं। एक बार के लिए मान लें कि तालिबान के कहने पर जमीन पर BRI परियोजना में चीन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अफगानिस्तान के अन्य चरमपंथी गुटों से भी चीन के निवेश को खतरा हो सकता है। तालिबान चीन के निवेश के लिए सुरक्षा मुहैया करा पाएगा क्या? कहा जाता है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के हर मौसम के दोस्त हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान में अपने निवेश की सुरक्षा को लेकर आज तक आश्वस्त नहीं हो पाया है। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बस हादसे में कम 13 लोग मारे गए थे, जिनमें 9 चीनी नागरिक थे। ये डासू बांध परियोजना पर काम कर रहे थे। ऐसे में चीन अगर अफगानिस्तान में किसी तरह के निवेश के बारे में सोचता है तो उसके लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होगी।